नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर सेकंड, जो कि हिंदी का पेपर है दोस्तों। और हिंदी में हमने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को शुरू किया था, जिसमें हमने दो क्लासेज हो चुकी हैं हमारी। एक में हमने सिलेबस को डिस्कस किया, उसके बाद में स्वर के विषय में हमने जानने की कोशिश की थी। आज स्वर के बचे हुए कुछ बिंदुओं को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपने व्यंजन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने वर्ण विचार के अंतर्गत देखे स्वर स्वरों को डिस्कस कर लिया था। दीर्घ स्वर, अश्व स्वर, प्लुत स्वर, अयोगवाह, जीवा की स्थिति के आधार पर इनके प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर, और ये जो सारे प्रकार हैं हमने वो हमने देख लिए थे। मुखाकृति के आधार पर भी हमने देख लिए थे। कुछ बचे हुए प्रकार हैं उनके विषय में भी अपने आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये हमारा टॉपिक जो है अच्छे से पूरा हो जाए। एक अपने बात कर सकते हैं उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर जो है वो इनके कौन कौन से भेद हो सकते हैं उच्चारण स्थल के आधार पर। तो इसमें से जो भाग आ सकते हैं, एक तो हमारे पास में आएगा कंठस्वर, एक तो कौन सा आएगा कंठस्वर, एक हमारे पास में आएगा तालव्य स्वर, एक आएगा तालव्य स्वर, एक हमारे पास में आएगा ओष्ठ स्वर, एक हमारे पास में आएगा मूर्धन्य स्वर, एक हमारे पास में आएगा कंठ तालव्य, और एक हमारे पास में आएगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ है। तो इतने प्रकारों को हमें यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कंठस्वर कौन से होंगे। जो हमारा वाक यंत्र है जो कंठ से शुरू होता है, कंठ के बाद में तालु है, फिर मूर्धा है, फिर जो है दंते है, फिर ओष्ठ है, नासिका है, इन सभी से मिला करके अपने स्वरों का उच्चारण किया करते हैं। तो कंठस्वर में देखें कि जिन स्वरों का उच्चारण या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है, और केवल अपने स्वरों का अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें आएगा हमारे पास में ए और आ। ए और आ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। फिर हम आए तालव्य के ऊपर। तो तालव्य के अंदर जिसमें जीवा जो है वो तालु से टकराती है, यानी तालु का यूज़ होती है, तो इसमें ई और ई आ जाएगा। अगर हम बात करें ओष्ठ की, जहाँ पर होठों से बोला जाता है, तो ओष्ठ कौन से हो गए, ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। मूर्धा की बात करें, जिसमें मूर्धा यानी तालु से आगे का जो भाग है, दांत से पीछे का जो भाग है, आप जिह्वा लेकर के जाओगे, खुरदरा सा कटाफटा सा जो भाग है ना, अगर आप गर्म चाय पी लें तो वहाँ से छिल जाता है कई बार, तो ऐसे स्थान को मूर्धा कहते हैं। और ये कौन सा होगा, ये होगा री। फिर अपने बात करें कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन सा होगा, ए होगा। अब इसमें हुआ क्या, देखिएगा, इसमें एक तो ए है और एक इसमें ई है, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, ये कंठ तालव्य बन गया। तो ये ए क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। अब हम बात करें कंठोष्ठ की, तो कंठोष्ठ कौन सा होगा दोस्तों, कंठोष्ठ जो है हमारे पास में हो जाएगा, इसमें ई को भी शामिल कर लेना, ओ और औ, ये कौन से हो गए, ये कंठोष्ठ हो गए दोस्तों। कंठोष्ठ के अंदर देखिए ये आगे, क्योंकि यहाँ पर ए और ऊ से मिलके बना है, ए का मतलब क्या हो गया, कंठ हो गया, ऊ का मतलब क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, तो ये कंठ और ओष्ठ मिलकर के जो है वो कंठोष्ठ हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है कंठों से उच्चारण होने वाले ए और आ, तालु से उच्चरित होने वाले ई और ई, ओष्ठ केवल ओष्ठ का उपयोग होता है तो ऊ और ऊ हो गए, मूर्धा से बोले जाने वाला री हो गया, कंठ और तालु से बोला जाने वाला कंठ तालव्य हो गया, ए और ई से मिलके ए आई बना है, और कंठोष्ठ हो गया ओ और औ वाला। तो ये हमारे जो है उच्चारण स्थल के आधार पर जो है हम इनके प्रकार मान करके चलते हैं दोस्तों। तो ये उच्चारण स्थल के आधार पे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जातीयता के आधार पर,
जातीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर। तो जातीयता के आधार पर देखिए कौन से होंगे, सवर्ण होंगे। एक तो कौन सा हो गया, सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण कौन से होंगे, तो सवर्ण होंगे वे स्वर ध्वनि, वे स्वर ध्वनि जो समान स्वर से बनी हो, समान स्वर से बनी हो, यानी जिनका जो उच्चारण स्थान है वो दोनों का एक हो। जैसे अपने कहीं ए आ हो गया, ई ई हो गया, उ और ऊ हो गया, ये सजातीय हो जाएंगे ना, इनको सवर्ण कहेंगे क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक है, इनका भी एक है और इनका भी एक है। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो भाग आएगा वो हो जाएगा विजातीय, विजातीय यानी कि अस्वर्ण, सवर्ण बोलिएगा। अब इसमें जो आ गए वो देखिएगा कौन से रह गए, जिनका स्वर में कोई योगदान नहीं होता या पहले वाले को छोड़ करके। जैसे मैं ये कह दूँ ए और ए को लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये विजातीय हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ये विजातीय हो जाएंगे। इनको अपने क्या कहेंगे, एस वर्ण के नाम से जानेंगे। जब इनका उच्चारण स्थान एक नहीं हो, जैसे ए है, ए किससे बना है, ए और ई से मिलकर के बना है, ये अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। एक ये बात, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हालांकि पूछा बहुत कम जाता है लेकिन हमने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। वैसे ये कुछ होता भी नहीं है, केवल हमें यही याद करना होता है सवर्ण कौन से हो गए, जो एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण हो उन्हें कहते हैं हम। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ हमें यहाँ पर और समझनी है, और वो हमें क्या समझना है, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। हालांकि इसको हमने स्टार्टिंग में साथ में ही देख लिया था, इसके तीन पार्ट अपने बांट सकते हैं। एक तो आ गया लघु, दूसरा दीर्घ और तीसरा आ गया प्लुत। ये तीन हो गए, लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु की बात करें तो ए ई उ री है ना, इनका मात्रा चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता था। दीर्घ वाला कौन सा हो गया, दीर्घ वाला जो बाकी रह गए आ ई ऊ ए ऐ ओ और औ, ये वाले रह गए, और इनको इस तरह से लिखते हैं। ये छंद वगैरह पढ़ेंगे तो ये हमारे सारी की सारी चीज़ें काम आती हैं दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है, उच्चारण के आधार पर एक चीज़ अपने और देखते हैं यहाँ पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो हम देखते हैं, सबसे पहला है अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखिएगा दोस्तों अनुनासिक में कौन होगा, जिनके उच्चारण में मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वरों के नाम से जानते हैं, जिनमें जो है वायु मुख के साथ साथ में नाक के द्वारा भी निकलती है। इसमें देखिएगा हम चंद्र बिंदु लगाया करते हैं, कौन से बिंदु का इस्तेमाल होता है, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है। जैसे हो गया अंग, आ है, ई है ना, इस प्रकार से जैसे ऊंट लिखते हैं अपने, है ना, जैसे अंधेरा लिखते हैं, तो ये वाले क्या कहलाएंगे, ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जिसमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता हो वो अनुनासिक कहलाएंगे। जो ये नहीं है, जो नाक और मुख दोनों का इस्तेमाल नहीं होता, वे क्या कहलाएंगे, वे निर्नुनासिक कहलाते हैं।
इसे अपने अननुनासिक भी कहते हैं। अब इसमें कौन सा होगा जिसमें वायु केवल मुख से निकलती है, जिसमें नाक का उपयोग नहीं होता है, ऐसी कहलाएंगी निर्नुनासिक या अनुनासिक। जैसे इनका शुद्ध रूप हो गया ना सारे स्वरों का, ए आ ई ई उ ऊ रि ए ऐ ओ और औ, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये निर्नुनासिक कहलाते हैं। यानी वर्णमाला में प्रयुक्त जो 11 के 11 स्वर हैं वो निर्नुनासिक ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ये रह गया। इसके बाद में एक चीज़ हम और सीख लेते हैं और वो है हमारी स्वरों की मात्रा, जहाँ से कई बार वर्तनी शुद्धि की चीज़ें आ जाती हैं। ए आ ई ई ओ ओ रि ए ऐ ओ और औ। अब देखिएगा यहाँ पर ए की कोई मात्रा नहीं होती, यानी हलचिन नहीं लगा हुआ है, तो आ की मात्रा ये होती है और ई की मात्रा ये होती है। ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ई की, बड़े ऊ की, ये ऋषि की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। तो ये मात्राएं होती हैं, ये मात्रा हमें कोई दिक्कत नहीं देती, ये मात्रा बाद में लगती है। अब ये मात्रा जो है कई बार समस्या दे जाती है, तो इसको थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। इसके लिए हमें एक चीज़ पहले देखना होगा कि हमारी हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक पाई वाले और एक बिना पाई वाले। पाई वाले जैसे पै हो गया और बिना पाई वाला जैसे टै हो गया। जब हमें पै को अदा करना हो तो हम इस तरह से कर देते हैं, लेकिन अगर हमें बिना पाई वाला अदा करना है तो हम इसमें हलचिन लगाते हैं। इसके अलावा दो अलग भी हैं, कै और फै, जिनका रूप अलग से ही परिवर्तित हो जाता है जब हम इनको अदा करते हैं। तो अब ये समस्या कहाँ देगा, किस प्रकार से हमें इसे देखना है। तो जब भी हमें आधे वर्ण वाला यूज़ करना है, जैसे हमने लिखा निश्चित निश्चित, तो हमने क्या किया, इस शय को आधा करने के लिए पाई यानी डंडा हटा दिया, तो ये शच हो गया। और इसमें जो मात्रा लगेगी वो इन दोनों के पहले लगती है, लेकिन ये मात्रा किसकी होती है, चय की ही होती है, निश्चित बोलते हैं अपने। ऐसा हम तब करते हैं जब हमारे पास में संयुक्त वर्ण कौन सा हो, पाई वाला हो। लेकिन जब बिना पाई वाला हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा पट्टी लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमें लिखना होता पट्टियाँ और हम ऐसे लिख दें तो ये क्या माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। अगर वर्ण पाई वाला है तो हम जब इसको संयुक्त करते हैं तो जो छोटी ई की मात्रा है वो इसके साथ में ही लगा देते हैं, लेकिन अगर वर्ण जो है वो बिना पाई वाला है तो इसकी मात्रा हलचिन वाले के साथ में नहीं आएगी, ये जहाँ आनी है वहीं आएगी। यानी पट्टियाँ हम किस तरह से लिखेंगे, ये वाला पट्टियाँ लिखेंगे और यही जो क्या है शुद्ध माना जाएगा दोस्तों। देखने में अटपटा लगे लेकिन होता यही है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसके नीचे लगा करके, इसको समझिएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, और वो है हमारा शब्द, जैसे मान लीजिएगा बुद्धिमान, हमने इस तरह से लिख दिया तो ये गलत माना जाता है। एक तो हम हलचिन लगा रहे हैं, एक उसकी मात्रा भी लगा रहे हैं, तो क्या सही मानेंगे क्या, या तो हलचिन लगेगा या फिर मात्रा लगेगी, दोनों में एक ही काम होता है। हम इसे लिखते हैं बुद्धिमान, यानी बिना पाई वाला अगर वर्ण है तो उसकी मात्रा छोटी एक ही उसके साथ में ही लगेगी संयुक्त वर्ण होने पर, और यदि पाई वाला है तो हम उसके पहले लगाते हैं जैसे हमने निश्चित में लगाई थी, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो ये रूप सही होगा या ये सही होगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो ये तो दिक्कत थी छोटी की मात्रा की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊ ऊ में
सिर्फ रे में दिक्कत आती है, क्योंकि रे में हम ये लगाते हैं तो ये छोटा रू है और ये बड़ा रू होता है, बस इतना ही फर्क है। रे की मात्रा रे में कभी भी इस तरह से मात्रा नहीं लगेगी, ये लगेगी तो ये गलत हो जाएगा। एक हमारे पास में री है, री को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा प्र, ये जो खड़ी डंडा होता है इसमें प तो होता है आधा और र होता है पूरा, लेकिन जब हम पृथ्वी लिखते हैं तो इसमें प होता है और इसमें री होता है, बस ये चीज़ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक शय है, इस शय में हमने ये र लगाया तो इसका मतलब है शय प्लस में र, लेकिन जब हम इस शय में ये वाला र लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है शय प्लस में री, ये री होता है प्यारे दोस्तों। इसलिए श्रृंगार को जब हम लिखते हैं श्रृंगार तो हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो आप देख सकते हैं हमने क्या क्या लगाया, स लगाया, र लगाया, फिर री लगाया और फिर हमने गार लगाया है। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बाकी किसी मात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ से वर्तनी शुद्धि के कई बार प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए अगला जो हमारा टॉपिक हमें शुरू करना था वो हम देख लेते हैं, व्यंजन को, कि व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से बोलते हैं अपने, वो क्या कहलाएंगे, वो व्यंजन कहलाते हैं। या मैं यूं कहूं, वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जब मुख में आती है, तो वह रुक कर या अवरोध के साथ बाहर निकलती है। तो ऐसी जो ध्वनि है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है व्यंजन। और असल में तो व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो पाता बिना स्वरों के, जैसे ये लिखा है हमने तो इसका तो उच्चारण नहीं होगा, इसमें क ए जोड़ेंगे ना तो स्वर इसके उच्चारण को बाहर निकालने का काम करता है, क पूरा अपने बोल सकते हैं। अगर हिंदी में वर्णों की संख्या पूछी, अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन अपने मान करके चलते हैं, और तीन हमारे पास में कौन से आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं। पहले अपने 33 को देखें, 33 को अपने कितने भागों में बांटते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं, और तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। इनको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम बात करें स्पर्श व्यंजनों की, तो यहाँ हमें याद रखना है कैसे मैं तक जो हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, कैसे मैं तक के जो व्यंजन हैं वो सारे के सारे स्पर्श होंगे। इनको अपने वर्गों में लिखते हैं, जैसे क वर्ग की बात करें तो क है, ख है, ग है, ग है और अंग है, ये अड़ नहीं होता है दोस्तों। फिर हमारे पास में आता है चय वर्ग में च आएगा, छ आएगा, जय आएगा, जय आएगा और ई है। फिर उसके बाद में कौन सा वर्ग आएगा, क च के बाद में टै वर्ग आता है, टै वर्ग। और इसी प्रकार से हमें टै वर्ग के अंदर देखना है कि टै वर्ग में कौन कौन से रहेंगे प्यारे दोस्तों। तो टै वर्ग में हमारे पास में रह गया ट, फिर हमारे पास में आता है ठ, फिर आता है ड, बारकड़ी तो याद होगी या भूल गए, ढ और अण, इसमें बाहर अपने लिखते हैं अड़ और ढ को, ये वाले यहाँ पर नहीं होते, इनके बिंदी नहीं लगी होती है। तय वर्ग, और तय वर्ग में देखिएगा तय है, थ है, द है, द है और न है। फिर अपना आता है लास्ट प वर्ग, प है, फ है, ब है, बह है और मैं है। ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन हैं ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये अड़ है और ढ है ना,
ये अड़ और ढ़ जो है इनका प्रयोग, अड़ जो इनको अपने ग्रहित वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। ये जो है सड़क, जैसे अपने बोलते हैं ना सड़क के अंदर, सड़क के अंदर ये वाला लगा हुआ है, ये वाला नहीं लगा हुआ है ना, वो अंग है। इसका जो उच्चारण होता है आधे न और ग की तरह होता है, ये अड़ नहीं होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वरना यहाँ से गलती होने की संभावना रहती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा जो हमारे पास में आता है वो आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे? जिनका जो उच्चारण है जीभ तालु दांत ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से कहीं पर भी स्पर्श नहीं होता। इसमें जीभ भी आएगी, तालु भी आएगा, इसमें दांत भी आएगा, इसमें ओष्ठ भी आएगा, लेकिन पूर्णतः कोई भी स्पर्श नहीं होता है। तो ये आते हैं य, र, ल और व। इन्हें एक और नाम देते हैं हम, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में एक और चीज़ हमारे पास में रह जाती है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? जो रगड़ या घर्षण से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में घर्षण होता है, यानी जोर हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, या मुख से निकलने वाली वायु जो है वो गर्म हो जाती है। इसमें जो आते हैं श, स, स और है, इनको बोल के देखिएगा, श, स, स, ह, तो बोलते हैं तो थोड़ा सा हमारा उच्चारण है जो ऊष्मित हो जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं। ये वाली बात। एक चीज़ और हमें यहाँ पर सीख लेनी चाहिए और वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो हमने 33 देखे उनके अलावा है दोस्तों। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं संयुक्त। अब इनमें से क्ष तो बनेगा क और स से, त्र बनेगा त और र से। यहाँ से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये बनेगा त और, सॉरी ये तो हमने लिख लिया है, जय प्लस इं से, ग और यह नहीं होता है यहाँ पर, यह चीज़ आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता ही है, ग प्लस यह कर दोगे, ग बोलते ज़रूर है लेकिन ये गलत होता है। इसमें हम करते हैं स प्लस में र, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, जैसे अपने दे है विद्यालय वाला, इसको अपने इस रूप में लिख देते हैं। विद्वान है द और व को हम इस रूप में लिख देते हैं। तो ये सुविधा की दृष्टि से हमने अलग अलग प्रकार के वर्णों को बना रखा है, लेकिन मुख्य रूप से इतने जो वर्ण हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं लेखन और अन्य चीज़ों के अंदर, ये हमारे व्यंजन हुए। इसके बाद में व्यंजनों का और आधार है स्थान और प्रयत्न के आधार पर, जिनके विषय में दोस्तों अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी। दोस्तों अगर सच में आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।